नमस्कार, मैं हूं रविशंकर सिन्हा और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आज हम पहुंचे हैं भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में, जहां ब्रह्म कुमारीज की ओर से 8 दिनों के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन की व्यवस्था की गई थी। जो तमाम जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका दर्शन लोग एक ही स्थान पर कर सकें, इसके लिए ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से व्यवस्था की गई थी। और उसका आज अंतिम दिन है, तो उसके बाद यहाँ काफ़ी संख्या में लोग दर्शन करने भी आए और यहाँ राजयोग या तमाम उस तरह की जो जानकारी है, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है, उससे संबंधित जो भी जानकारी थी यहाँ के सदस्यों द्वारा उन्हें दी गई। तो इसको लेकर के क्या कुछ उद्देश्य रहा और कितनी सफलता लग रही है, इसको लेकर हम बात करेंगे ब्रह्म कुमारीज के मनोज जी से। जी मनोज जी, क्या सफलता रही और क्या उद्देश्य रहा इसका? जी ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बीके मनोज, मीडिया प्रभाग। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो आध्यात्मिक दर्शन मेला लगाई गई है, इसका उद्देश्य था मानव को 12 ज्योतिर्लिंगम का दर्शन प्राप्त हो सके और इस दर्शन के द्वारा उसकी शक्ति को भी प्राप्त करे। और इसके लिए आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, जो आप देख रहे हैं। इस आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के द्वारा मानव को अपने मूल्यों को, उस आत्मा को जानने के लिए और परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए राजयोग की प्रशिक्षण भी दी जाती है। राजयोग का अर्थ ही है योग। योग मीन्स जोड़, मिलन मनाना, आत्मा से परमात्मा का मिलन मनाना ही योग है। वैसे तो संसार में अनेक प्रकार के योग हैं, लेकिन सभी योगों का राजा राजयोग कहलाता, इसलिए इसमें मन को बुद्धि से जोड़कर आत्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। और शारीरिक योग करने से शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन राजयोग करने से मानसिक स्वस्थ होती है। कहा भी जाता है यदि मन स्वस्थ है तो बुद्धि भी स्वस्थ होती है, जिसके कारण उसके जीवन भी सकारात्मक चिंतन प्रभाव पड़ता है। इसका लगाने का उद्देश्य था कि भागलपुर शहरवासियों को वो सत्य का परिचय होने के बाद वो जीवन का जो मूल उद्देश्य शांति प्राप्त करने का, वो शांति सरल सहज प्राप्त हो रही है। इसका प्रमाण है ये 8 दिन के अंतर्गत में 30 से 35 हज़ार लोग यहाँ दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। और साथ ही साथ वो राजयोग सीखने के लिए हमारी जो स्थानीय शाखा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का MG पथ केनरा बैंक ATM गली के पास हमारी स्थानीय शाखा है, वहाँ पर 3 सत्र में सुबह 8 से 9, संध्या 4 से 5 और रात्रि 7 से 8 यहाँ के दर्शक, यहाँ के भक्तजन, यहाँ के श्रद्धालुओं अपने उस मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, विधि सीखने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। और साथ ही साथ 19 तारीख से अर्थात कल से 3 सत्र में राजयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारे काउंटर पर देख रहे हैं, 2 काउंटर पर दर्शक के लिए फॉर्म भरा जा रहा है और वो प्राप्ति हो रही है। तो आपने देखा कि यहाँ राजयोग और योग की बात कही जा रही है, जो इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य भी रहा है। और भागलपुर में जैसा कि 12 ज्योतिर्लिंग जो कोई भी किसी के लिए भी ये संभव नहीं है कि एक जगह एक साथ इसका दर्शन किया जा सके, तो उसके लिए विशेष रूप से यहाँ व्यवस्था की गई। और लगातार पिछले 8 दिनों में यहाँ विभिन्न जगहों से लोग आए और ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के साथ राजयोग से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियाँ हैं, उससे जुड़ी जो विद्या है और मेडिटेशन के बारे में भी यहाँ पर विशेष जानकारी दी गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ चित्र के माध्यम से तमाम तरह की जानकारियाँ देने का प्रयास किया गया है, जिसको देख करके लोग इसके महत्व को समझ सकें, इसके विशेषता के बारे में जान सकें। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है तमाम तरह की जो चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। और संस्था के भी लोग जो हैं वो भी तमाम अपने जो भी यहाँ आने वाले हैं उन्हें लगातार इससे संबंधी जानकारी भी दे रहे हैं कि प्रत्येक चित्र के बारे में, इसके महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग का भी ये प्रतिरूप है, जिस 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने लोग यहाँ पहुँचे हैं। और आज उसका अंतिम दिन है, और एक मैंने आपको बताया और संस्था के सदस्य के द्वारा भी इस चीज़ की जानकारी दी गई कि एक ही जगह एक साथ तमाम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना एक बड़ी उपलब्धि और एक बेहतर अनुभव है, और इसका प्रयास ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से किया गया और आज उसका समापन है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल्क टीवी, भागलपुर।